ये बात हम सब जानते हैं कि सलमान खान गोविंदा की बहुत तारीफ करते हैं। इवन एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर सलमान खान गोविंदा के बारे में कह रहे हैं कि जब गोविंदा सुपरस्टार थे तब भी बहुत ज्यादा हम्बल थे। जब वो अपनी किसी मूवी की शूटिंग कर रहे थे व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट स्कार्फ में, तब सलमान खान ने उनको बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तब गोविंदा ने थैंक यू बोला झुक के। ये बात सलमान खान ने प्रॉपर मीडिया में कही और कहा है कि गोविंदा से बड़ा कोई स्टार नहीं है, आफ्टर मिशन ही वाज गोइंग टू बिग थिंग। अब बात करते हैं गोविंदा की। गोविंदा का एक वीडियो ऑलरेडी वायरल हो रहा है जहाँ पर सलमान खान के बारे में बहुत ही अकड़ से ईगो से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सलमान खान पर किस तरह वो एहसान करते थे। बात करने का अंदाज बताता है गोविंदा की ईगो अकड़ ने उनको इस हाल पर पहुंचाया है। गोविंदा के अकॉर्डिंग बहुत सारी फिल्में कर रहे थे और जुड़वा 2 की शूटिंग स्टार्ट कर चुके थे। जुड़वा 2 डेविड धवन उनके साथ बना रहे थे। ऐसे में एक रात गोविंदा के सामने सलमान खान का फोन आया और सलमान खान ने कहा, भाई गोविंदा आप कितनी फिल्में करोगे, प्लीज ये मूवी मुझे दे दो बिकॉज मेरे को कोई मूवी हिट मिल नहीं रही है। और गोविंदा बड़े अकड़ में कहते हैं कि मैंने सलमान खान से बोला चल ये मूवी तू कर ले, यानी चलती फिरती मूवी जिसकी ऑलरेडी शूटिंग हो चुकी है वो गोविंदा ने छोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान। और अगर छोड़ भी दिए तब कोई मीडिया में इस तरीके से अपनी बात का बखान नहीं करता। हालांकि गोविंदा बहुत बड़बोले हैं और अपने बड़बोलेपन से करियर में आग लगा चुके हैं। ये बात प्रहलाद नीलानी भी कह चुके हैं जो कि सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं और गोविंदा को लेकर कई सारी फिल्में बना चुके हैं जैसे 16 और शबनम हो गया, रंगीला राजा हो गया वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि सलमान खान शाहरुख खान का नाम लेकर उसने अपनी मूवी रंगीला राजा को बेचने की कोशिश की थी और कहा था कि शाहरुख सलमान उनकी फिल्में रिलीज नहीं होने देते इसीलिए उनकी मूवी चल नहीं पाती। इस बात का असर उल्टा हुआ, मूवी डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर से आउट चली गई और प्रहलाद नीलानी को तगड़ा नुकसान हुआ। प्रहलाद खुलेआम मीडिया में कहते हैं गोविंदा अपनी हरकतों की वजह से घर पे बैठा है वरना बहुत बड़ा स्टार बन सकता था। यही बात अमिताभ बच्चन के बारे में कही जाती है। अमिताभ बच्चन अपने करियर के सबसे बुरे दौर में गुजर रहे थे तब गोविंदा की बड़े मियाँ छोटी मियाँ ने उनको पुश दिया था और गोविंदा के कंधे पर चढ़कर अमिताभ बच्चन फिर से पॉपुलैरिटी के आसमान में सवार हुए थे। यानी सलमान खान और चाहे अमिताभ बच्चन, गोविंदा ने सबको सपोर्ट किया है लेकिन गोविंदा ने कभी भी अपने आप को वक्त के हिसाब से बदला नहीं। उनको अक्षय कुमार ने मौका दिया, फिर चाहे हॉलीडे हो या भागम भाग, सलमान खान ने मौका दिया पार्टनर में, इसके अलावा यशराज ने भी किल दिल में मौका दिया। इसके बावजूद गोविंदा ने अपनी चॉइसेस सही नहीं करी और अपने बड़बोलेपन की वजह से हर बड़े दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं। जैसे कि आजकल सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं वैसे ही उन्होंने कहा था जेम्स कैमरून की मूवी अवतार उनके पास आई थी और उन्होंने मना कर दिया बिकॉज ही डिडंट लाइक द टाइटल। ये बड़ा ऑकवर्ड सी बात है, गोविंदा के मुंह पर सूट नहीं करता, जबकि प्रहलाद नीलानी ने कहा था कि अवतार नाम की मूवी गोविंदा के साथ वो बनाने वाले थे। यानी प्रहलाद नीलानी की मूवी को देसी तरीके से हॉलीवुड में चेंज कर दिया गोविंदा ने लफाजी में और यही लफाजी गोविंदा की करियर में कब्र खोदने वाला काम कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।